नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथ ही एक बार फिर से स्वागत है द इंडिया न्यूज के अंदर। दोस्तों, लेकर आ चुके हैं एक बार फिर से गुजरात का महा ओपिनियन पोल आप सभी के लिए एक बार फिर से हाजिर हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि गुजरात के अंदर किसकी बनने जा रही है सरकार, इस बार गुजरात का अगला सीएम कौन होगा दोस्तों, बीजेपी से या कांग्रेस दोस्तों या अन्य पार्टी। पर दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं बहुत ही जल्दी। पर दोस्तों, 2022 में होने वाले इन विधानसभा चुनाव के अंदर किसकी बनेगी सरकार। पर दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आज ही गुजरात के विधानसभा चुनाव होते हैं तो किसकी की सरकार। पर दोस्तों, यहाँ पर जनता सर्वे के मुताबिक आप सभी को बता दें कि जनता सर्वे ने जो कमेंट्स करके जो बताए थे उसके हिसाब से गुजरात के अंदर किसकी बन सकती है सरकार, उसी के बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। जो कि दोस्तों, हमने पिछले वीडियो की जो पोल के अंदर हमने कहा था कि आप कमेंट करके बताएं कि आप कौन कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, उसी हिसाब से कुछ कमेंट्स आए हैं और उनको लेकर हमने एक जनता सर्वे तैयार किया है जिसे हमने नाम दिया है ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के अंदर आप सभी को बताने वाले कि गुजरात के अंदर किसकी बनेगी सरकार। दोस्तों, आज विधानसभा चुनाव होते हैं तो यहाँ पर बीजेपी या कांग्रेस दोनों पार्टियों में से कोई एक पार्टी आ सकती है। पर दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए तो मौजूद की सरकार बीजेपी के कांग्रेस को आने देगी या दोस्तों कांग्रेस सरकार मौजूद बीजेपी को रहने देगी। पर दोस्तों, सवाल यह भी है कि दोनों पार्टियों में से मजबूत कौन है। पर दोस्तों, यहाँ पर मजबूत की बात की जाए तो मजबूत बीजेपी सरकार 10 साल से केंद्र में राज कर रही है और गुजरात के अंदर मौजूद भी है। इस मौजूदगी को बनाने रखने के लिए बीजेपी सरकार को कुछ नए चाले चलनी होगी जो कि कांग्रेस से कई गुना बड़ी होनी चाहिए। और दोस्तों, कांग्रेस को सरकार बनानी है तो बीजेपी जैसी मजबूत सरकार को कुछ ना कुछ तो झोल में डालना होगा और अपनी सरकार बनाने के लिए कुछ बड़े पैमाने के साथ उतरना होगा और गुजरात के अंदर हर एक बंदे बंदे को विश्वास दिलाना होगा कि कांग्रेस सरकार उनके लिए सही है। क्या दोस्तों, दोनों पार्टियों में से कौन सी पार्टी गुजरात को विश्वास दिला सकती है कि वो उनके लिए सही है, ये दोस्तों देखना अभी बाकी है। पर दोस्तों, उससे पहले आप सभी को बता दें कि इस ओपिनियन पोल को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल द इंडिया न्यूज को नीचे लाल बटन दबा के सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, ऐसे में आपको ओपिनियन पोल से संबंधित तमाम जानकारी हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। और दोस्तों, अभी तक आपने इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्द एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको पता चल सके गुजरात के अंदर किसकी बनने जा रही है सरकार। और दोस्तों, आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं कि नीचे कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर बताइएगा और आप कौन से राज्य, जिले और शहर से हैं और आप अपनी पार्टी का नाम भी जरूर लिखिएगा दोस्तों, ताकि हमें पता चल सके कौन कौन से जगहों से कौन कौन से पार्टी को सपोर्ट किया जा रहा है और गुजरात के अंदर किसकी बनेगी सरकार। आखिरकार दोस्तों, जानते हैं इस वीडियो के अंदर, अब शुरुआत करते हैं भावनगर की 7 सीटों के बारे में बात। के साथ में से यहाँ पे बीजेपी को 5 का बहुमत मिल रहा है जबकि कांग्रेस को सिर्फ 2 से सहमत होना पड़ेगा। जबकि दोस्तों, यहाँ पर अनेक खाते में 0 सीट जा रही है जबकि यहाँ पर अहमदाबाद की 21 सीटों के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर 21 में से यहाँ पर बीजेपी सरकार 16 सीटों का अच्छा खासा बहुमत अपने नाम कर रही है। जबकि दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 4 से सहमत होना पड़ेगा। फिर से दोस्तों, यहाँ पर अनेक खाते में 1 ही सीट जाएगी। जबकि दोस्तों, अमराली की 5 सीटों के बारे में बात की जाए 5 में से यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों का पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है जबकि दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस को 1 ही सीट मिल रही है। जबकि दोस्तों, यहाँ पर अनेक खाते में 0। वही दोस्तों, गुजरात की 33 सीटों के बारे में बात की 33 में से यहाँ पर बीजेपी सरकार को यहाँ पर 25 सीटों की अच्छी खासी लीड मिल चुकी है शुरुआत में जबकि कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें ही मिल रही जबकि अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों, इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो आनंद की 7 सीटों के बारे में बात की जाए 7 में से यहाँ पर बीजेपी को 5 का पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है जबकि दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही मिल रही जबकि दोस्तों, यहाँ पर अन्य खाते में 0। और अरावली की 3 सीटों के बारे में बात की जाए 3 में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों का अच्छा खासा बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है जबकि यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 1 ही सीट मिल रही है। पर दोस्तों, यहाँ अन्य खाते में 0। वही दोस्तों, बनासकांठा की 9 सीटों के बारे में बात की 9 में से यहाँ पर बीजेपी को खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है जबकि दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस के खाते में सिर्फ 3 का बहुमत जाता दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अन्य खाते में 0। वही दोस्तों, गुजरात की 52 सीटों के बारे में बात की तो 52 में से यहाँ पर बीजेपी को 38 सीटों की अच्छी खासी लीड मिल रही है शुरुआत में ही जबकि कांग्रेस खाते में सिर्फ 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वही दोस्तों, अन्य खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो भरूच की 5 सीटों में से यहाँ पर 5 का 5 पूर्ण बहुमत बीजेपी अपने नाम करता हुआ दिखाई दे रहा है जबकि दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 0 सीट मिल रही है तो वही अन्य खाते में भी 0। वही दोस्तों, बोटाड़ की 2 सीटों के बारे में बात की जहाँ पर दोनों सीटों में से बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को एक एक सीट का पूर्ण बहुमत मिल रहा है जबकि इन्हें खाते में 0। वही दोस्तों, छोटे उदयपुर की 3 सीटों के बारे में बात की तो 3 में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों का अच्छा खासा लीड दे रही है जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 1 से सहमत होना पड़ेगा। पर दोस्तों, यहाँ पर अन्य खाते में 0। वही दोस्तों, गुजरात की 62 सीटों के बारे में बात की तो 62 में यहाँ पर बीजेपी को 46 सीटें मिलती दिखाई दे रही है जबकि दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस को 15 सीटों से ही लीड मिल रही है। पर दोस्तों, यहाँ पर अन्य खाते में 1 सीट। वही दोस्तों, हम इसी के साथ अगले जिले के बारे में बात करें तो दाहोद की 6 सीटों में से यहाँ पर 6 में से यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटों का अच्छी खासी लीड मिल रही है जबकि दोस्तों, यहाँ पर कांग्रेस को 2 सीटें मिलती दिखाई दे रहा है जबकि दोस्तों, अन्य खाते में 0। वही दोस्तों, डांग की 1 सीट के बारे में बात की तो 1 की 1 सीट बीजेपी खाते में पूर्ण रूप से जाती हुई दिखाई दे रही है जबकि कांग्रेस के खाते में 0 तो अन्य खाते में भी 0। वही दोस्तों, देवभूमि द्वारका की 2 सीटों के बारे में बात की 2 में से 1 सीट बीजेपी खाते में जबकि 1 कांग्रेस खाते में, यहाँ पर अन्य खाते में सिर्फ 0 सीट। वही दोस्तों, गुजरात की 71 सीटों के बारे में बात की तो 71 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 52 सीटों की अच्छी खासी लीड जमा हो चुकी है जबकि कांग्रेस को सिर्फ
सिर्फ 18 सीटों की ही लीड मिल रही है। वही दोस्तों अन्य खाते में भी एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो गांधीनगर की 5 सीटों के बारे में बात की, 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों कांग्रेस और अन्य के खाते में एक एक सहमति मिल रही है। जबकि यहाँ पर गिर सोमनाथ की 4 सीटों के बारे में बात की तो यहाँ पर 4 में से यहाँ पर बीजेपी को 3 सीटों की अच्छी खासी लीड मिलती दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में एक ही सीट जा रही है, दोस्तों अन्य खाते में 0। वही दोस्तों जामनगर की 5 सीटों के बारे में बात की तो 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटों की अच्छी खासी लीड जमा हो रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में सिर्फ 2 ही, तो अन्य खाते में 0। वही दोस्तों गुजरात की 85 सीटों के बारे में बात की तो 85 में यहाँ पर बीजेपी के खाते में 61 सीटों की अच्छी खासी लीड जमा हो चुकी है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को 22, तो अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो जूनागढ़ की 5 सीटों के बारे में बात की तो 5 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों की अच्छी खासी लीड जमा हो चुकी है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में सिर्फ 1 से सहमत होना पड़ेगा, पर दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में भी 0 सीट। वही दोस्तों कच्चा की 6 सीटों के बारे में बात करें तो 6 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 सीटों की अच्छी खासी लीड है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 ही सीट है, पर दोस्तों अन्य खाते में 0। तो वही खेड़ा की 6 सीटों के बारे में बात करें, 6 की 6 सीटें बीजेपी अपने नाम करती हुई दिखाई दे रही है, वही कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट मिलेगी, तो अन्य खाते में भी 0। वही दोस्तों गुजरात की 102 सीटों के बारे में बात करें तो 2 में से यहाँ पर बीजेपी के खाते में 76 सीटों की अच्छी खासी लीड जा चुकी है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को 24 सीटें मिल रही है, तो अन्य खाते में 2 सीट। वही दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो मेहसाणा की 7 सीटों के बारे में बात करें, 7 में से यहाँ पर बीजेपी को 5 सीटों की अच्छी खासी लीड अपने खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ अन्य खाते में 0। पर दोस्तों यही पर महिसागर की 3 सीटों के बारे में बात करें, 3 में से यहाँ पर बीजेपी को 2 सीटों की अच्छी खासी लीड मिलती दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 1 ही सीट जाएगी, दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 0। वही दोस्तों गुजरात की 112 सीटों के बारे में बात की तो 112 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 83 सीटों की अच्छी खासी लीड जमा हो चुकी है और अपनी लीड को और भी आगे बढ़ाती दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस के खाते में सिर्फ और सिर्फ 27 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, तो वह अन्य खाते में सिर्फ 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो मोरबी की 3 सीटों के बारे में बात की तो यहाँ पर 3 की 3 सीटें बीजेपी अपने नाम करेगी पूर्ण बहुमत के साथ, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में 0, तो अन्य खाते में भी 0। वही दोस्तों नर्मदा की 2 सीटों के बारे में बात की तो यहाँ पर 2 की 2 सीटें फिर से बीजेपी अपने नाम करेगी पूर्ण बहुमत के साथ, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को फिर से 0, तो अन्य खाते में भी 0। वही दोस्तों नवसारी की 4 सीटों के बारे में बात की, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3 सीटों की अच्छी खासी लीड जाती हुई दिखाई दे रही है, दोस्तों इसी के साथ कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, पर दोस्तों अन्य खाते में यहाँ से 0 सीट जाएगी, जबकि दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 121 सीटों के बारे में बात की तो यहाँ पर 121 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 91 सीटों की अच्छी खासी लीड जमा हो चुकी है, जबकि यहाँ पर कांग्रेस खाते में अभी तक 28 सीटें ही जा रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में 2 सीट। इसी के साथ दोस्तों हम अगले जिले के बारे में बात करें तो पंचमहल की 5 सीटों के बारे में बात करें तो 5 में से यहाँ पर बीजेपी 3 सीटों का पूर्ण बहुमत अपने नाम करेगी, जबकि यहाँ पर कांग्रेस को सिर्फ 2 ही सीटें मिलेगी, तो अन्य खाते में भी 0 सीट। वही दोस्तों पाटन की 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 सीट, तो कांग्रेस खाते में 2 सीट, वही अन्य खाते में 0। वही दोस्तों पोरबंदर की 2 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 2 सीटों का 2 के 2 सीटें अपने नाम करेगी, जबकि कांग्रेस खाते में यहाँ पर 0, तो अन्य खाते में 0। वही दोस्तों गुजरात की 132 सीटों के बारे में बात की तो यहाँ पर बीजेपी 98 सीटें अपने नाम करती दिखाई दे रही, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 32 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, तो वही अन्य खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर राजकोट की 8 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी 5 सीटें अपने नाम करेगी, जबकि कांग्रेस खाते में 2, तो अन्य खाते में भी 1 सीट जाएगी, जबकि दोस्तों साबरकांठा की 4 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, तो कांग्रेस खाते में 1, वही अन्य खाते में 0। वही दोस्तों सूरत की 16 सीटों के बारे में बात करें, 16 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 13 सीटें जाएंगी, जबकि कांग्रेस खाते में सिर्फ 2, तो वहाँ भी अन्य खाते में भी 1 सीट जमा होगी। पर दोस्तों यहाँ पर गुजरात की 160 सीटों के बारे में बात की तो 160 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 119 सीटें जमा हो चुकी हैं, जबकि दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस खाते में 37 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही, तो वही अन्य के खाते में भी 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों इसी के साथ हम अगले जिले के बारे में बात करें तो यहाँ पर सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 4 सीटों की अच्छी खासी लीड जाएगी, जबकि कांग्रेस खाते में सिर्फ 1, तो अन्य खाते में 0। वही दोस्तों तापी की 2 सीटों के बारे में बात की, दोनों में पार्टियों में से दोनों को एक एक सीट का पूर्ण बहुमत मिलेगा, जबकि वेलसाइड की 5 सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 4, तो कांग्रेस को 1, तो अन्य खाते में 0। वही दोस्तों गुजरात की लास्ट एंड फाइनल 182 सीटों के बारे में बात की तो 182 में यहाँ पर बीजेपी 138 सीटों के साथ एक बार फिर से पूर्ण रूप से अपनी सरकार बनाने के लिए तैयार। दोस्तों आज गुजरात के अंदर विधानसभा चुनाव होते तो बीजेपी एक बार फिर से अपनी सरकार बना सकती है, यहाँ पर पूर्ण रूप से 138 सीटों की अच्छी खासी लीड ले रखी है, जैसे कि पिछली बार उन्होंने अच्छी खासी लीड से सरकार बनाई थी, उसी तरह से एक बार फिर से बीजेपी यहाँ पर अपनी सरकार खड़ी कर सकती है 138 सीटों के साथ। 182 में से 138 सीटें तो सिर्फ बीजेपी खाते में जमा हो रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो कांग्रेस के खाते में सिर्फ 40 सीटें आई है, जो कि 1/4 छोड़कर 1/4 है, मतलब कि 40 सीटें आधी से भी आधी सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, जबकि दोस्तों यहाँ पर अन्य खाते में भी 4 सीटें जमा हो
रही है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि गुजरात की 182 सीटों पर बीजेपी एक बार फिर से राज कर सकती है और एक बार फिर से अपनी सरकार को यहाँ पर सत्ता में ला सकती है, और एक सत्ता में आने के लिए यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस को अभी तक बड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों कमेंट के हिसाब से जनता का प्यार मिल रहा है बीजेपी सरकार को काफी ज्यादा, तो इस लीड को तोड़ने के लिए कांग्रेस को कुछ नया उपाय करना पड़ेगा। दोस्तों उससे पहले अगला वीडियो लेकर आए हैं और इस जनता सर्वे के आगे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि किसकी सरकार बन सकती है, ताकि हमने नेक्स्ट वीडियो बनाई तो आपकी कमेंट्स ले सकते हैं। दोस्तों आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन देखा उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों ऐसे में आपको अपने पोल से संबंधित तमाम जानकारी मिलती रहेगी हमारे द्वारा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।